जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, सुस्वागत हम आपके चैनल DRX सुधीर फार्मासिस्ट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक क्रीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम होता है फुसीवाल बी क्रीम। दोस्तों ये जो क्रीम होता है वो होता क्या है, उसका कंटेंट क्या रहने वाला है, उसका MOA कैसे होने वाला है, उसका यूजेस एंड साइड इफेक्ट के साथ साथ स्पेशल एप्लीकेशन के बारे में आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बनाए रखिए। दोस्तों जो फुसीवाल बी क्रीम होता है ये एक डर्माटोलॉजिकल मेडिसिन होता है। डर्माटोलॉजिकल का मतलब होता है दोस्तों इसको हम स्किन के ऊपर यूज कर सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन पे, ठीक है। दोस्तों इसको मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करता है वेल्सी फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। दोस्तों दोस्तों उसका कंटेंट क्या रहने वाला है, दोस्तों इसमें रहता है विक्टोमिटासन 0.025 वेट बाय वेट में रहता है। जो बिक्लोमिटासोन क्या होता है आगे समझेंगे, उसके साथ साथ रहता है फ्यूसिडिक एसिड 2% WW में। दोस्तों जो बिक्लोमिटासोन होता है ये एक स्टीरॉयड होता है जो केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करता है, वही केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करता है दोस्तों जो हमारा स्किन में रेडनेस या इन्फ्लामेशन क्रिएट करने में मदद करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसमें रहता है फ्यूसिडिक एसिड। दोस्तों ये जो फ्यूसिडिक एसिड होता है ये एक एंटीबायोटिक होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस को प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया की। अगर बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो बैक्टीरिया की ग्रो में मदद होता है। अगर प्रोटीन सिंथेसिस ही प्रिवेंट हो जाएगा, स्टफ हो जाएगा, तो वही बैक्टीरिया क्या होगा, डेथ हो जाएगा। अगर बैक्टीरिया की डेथ होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि स्किन में जो इन्फेक्शन हो रहा होगा उसका कंट्रोल होता है। तो इन्हीं तरह से ये जो कंटेंट होता है, ये जो मेडिसिन होता है बिक्लोमिटासन एंड फ्यूसिडिक एसिड, हमारा जो स्किन इन्फेक्शन को क्योर करने में मदद करते हैं। चलिए समझते हैं कि इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये एक डर्माटोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है तो इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है स्किन इन्फेक्शन में। केसेस इन्फ्लामेशन हो सकता है स्किन इन्फेक्शन में, रेडनेस हो सकता है, इचिंग हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, इन्हीं सारे केसेस में ये जो क्रीम होता है फुसीवाल बी क्रीम को यूज किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों हर एक दवाई में साइड इफेक्ट दिखाई देता है, दिखाई देने का संभावना हो सकता है फुसीवाल बी क्रीम में, रेडनेस होने का संभावना हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन होने का संभावना हो सकता है, साइड रिएक्शन जैसे कि रेडनेस होने का भी संभावना हो सकता है। बट हर एक पर्सन को दिखाई नहीं देता, कोई कोई पर्सन को दिखाई देने का चांसेस रहता है। अगर आपको जो साइड इफेक्ट है वो दिखाई दे रहा है तो आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। अगर दिखाई दे रहा है तो कुछ देर के बाद ठीक होने का भी संभावना होता है, और अपने आप डिसअपीयर नहीं होता है तो आपने डॉक्टर को यानी कि अपने डर्माटोलॉजिस्ट को आप जरूर कंसल्ट करें। दोस्तों प्रिकॉशन की बात करें, कोई भी दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट को जरूर कंसल्ट करें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कोई भी प्रेग्नेंट या किडनी लीवर या हार्ट पेशेंट होते हैं या कोई भी क्रीम से आप सेंसिबल हैं तो अपने डॉक्टर या अपने डर्माटोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही ये जो दवाई को या कोई भी दवाई को आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक स्पेशल एप्लीकेशन होता है कि कोई भी दवाई अपने मन मर्जी से यूज ना करें। हमारा वीडियो का एक ही मतलब होता है कि आपको मेडिसिन के बारे में अच्छे से अच्छी जानकारी दे सकें। हम कहीं से भी कैसे भी प्रोत्साहित नहीं करते हैं कि हमारा वीडियो को देख के आप मेडिसिन का एंट्री करें। कोई व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं या ऐसा करवा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और तब तक आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, बोलते रहे जय महाकाल।